मेरी आज की रेसिपी एक सैंडविच रेसिपी है। मैं इसे दही और वेजिटेबल से बनाऊंगी। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में तो दे ही सकते हैं, इसके साथ ही मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कर्ड सैंडविच बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। आधा कप हंग कर्ड, इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप एक छलनी लीजिए, उसमें दही को डाल के एक घंटे के लिए रख दें। दही से पानी अलग हो जाएगा और जो बाकी बच जाएगा वो हंकड़ होगा। दो चम्मच ग्रेट की हुई गाजर, दो चम्मच ग्रेट की हुई बीटरूट, एक छोटे साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, दो चम्मच खीरा या ककड़ी बारीक कटी हुई। आप इसमें अपने पसंद के अनुसार कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कैबेज और कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक चम्मच मेयोनीज, ये ऑप्शनल है। दो से तीन बड़े चम्मच हरी चटनी, मैं यहाँ पर धनिया पुदीने की चटनी यूज कर रही हूँ। दो से तीन बड़े चम्मच टोमेटो केचप, सूखे मसालों में मैंने यहाँ पर आधा छोटी चम्मच चाट मसाला लिया है, एक चौथाई छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च है और नमक स्वाद के अनुसार है। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर या फिर हरी मिर्ची छोटी छोटी काट के डाल सकते हैं। मैंने हरी चटनी बनाते समय उसमें हरी मिर्ची का यूज किया है, तो इसीलिए मैं अलग से हरी मिर्ची यूज नहीं कर रही। घी सैंडविच को ग्रिल करने के लिए आप चाहें तो इसकी जगह पर बटर भी यूज कर सकते हैं। और 6 ब्रेड स्लाइसेस। तो चलिए सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें हंकड़ और वेजिटेबल्स डाल के मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही इसमें मेयोनीज भी डाल के मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें सूखे मसाले भी डाल दूंगी, काली मिर्च, चाट मसाला और नमक स्वाद के अनुसार। इनको भी मिक्स कर दूंगी। स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। आप इस स्टफिंग को पहले भी बना के रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप इसको पहले बना रहे हैं तो उसमें उस टाइम नमक ना डालें। जब आपको सैंडविच बनाने हो तभी नमक डालें, क्योंकि पहले नमक डाल के रख देने से जो वेजिटेबल है वो पानी छोड़ देंगी। तो आइए सैंडविच बना लेते हैं। एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा देंगे। दूसरी ब्रेड स्लाइस पर टोमेटो केचप लगा देंगे। अब जो हमने स्टफिंग बना के रखी है वो इस पे लगा देंगे। स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसको दूसरी स्लाइस से कवर कर देंगे। बाकी की सैंडविच की स्टफिंग भी इसी प्रकार से करेंगे। अब मैं इनको ग्रिल कर लूंगी। ग्रिल करने से पहले इसकी एक साइड पर घी या बटर लगा दूंगी। मैं इन सैंडविचेस को इलेक्ट्रिकल ग्रिलर पे बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको तवे पर भी बना सकते हैं। इस पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब जिस साइड पर मैंने घी लगाया है उसको मैं नीचे की ओर कर दूंगी और इसके ऊपर वाली साइड पर भी घी लगा दूंगी। आप चाहें तो इसको बिना घी के भी बना सकते हैं, क्योंकि ये नॉनस्टिक ग्रिलर है तो इसमें सैंडविच चिपकेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा घी बटर लगाने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब मैं इसको ग्रिल कर लूंगी, चेक कर लेंगे। सैंडविच हमारे ग्रिल हो गए हैं। ग्रिलर को बंद कर देते हैं और इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे सैंडविच ग्रिल हुए हैं। एक पिज्जा कटर की हेल्प से मैं इसको ट्रायंगल शेप में काट लूंगी। बहुत ही क्रंची बने हैं, ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सैंडविच बनके तैयार हो गए हैं। आज मैं आपके साथ कॉर्न एंड चीज सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। कॉर्न एंड चीज सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगाएंगे। यहाँ पर मैं जो पुदीने और हरे धनिया की चटनी होती है वही यूज कर रही हूँ। दूसरी ब्रेड स्लाइस पर टोमेटो केचप लगाएंगे। आप चाहें तो जो इमली की चटनी होती है वो भी यूज कर सकते हैं।
अब इसके ऊपर मैं चीज स्लाइस रखूंगी। यहाँ पर मैंने चीज स्लाइसेस ली हैं, आप चाहें तो आप चीज को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। एक ब्रेड के ऊपर ऐसे चीज स्लाइस रखेंगे, उसके ऊपर कॉर्न डालेंगे। यहाँ पर मैं फ्रोजन कॉर्न यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश कॉर्न भी बॉयल करके यूज कर सकते हैं। जितने भी आपको डालने हो आप डाल सकते हैं कम ज़्यादा, और चीज़ भी आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप एक ही जगह पर दो चीज़ स्लाइसेस डालना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। इसके ऊपर क्रश की हुई ब्लैक पेपर डालेंगे। सॉल्ट मैं अलग से यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि जो चीज़ स्लाइसेस हैं और जो चटनी है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट है। थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे और दूसरी स्लाइसेस से कवर कर देंगे। इसी तरह से बाकी के ब्रेड स्लाइसेस भी तैयार कर लेते हैं। सैंडविच मैंने तैयार कर लिए हैं, अब इनको ग्रिल करेंगे। ग्रिल आप चाहे तो पैन में भी कर सकते हैं और चाहे तो सैंडविच मेकर में भी कर सकते हैं। मैं इनको ग्रिलर में ग्रिल करने वाली हूँ। ब्रश की हेल्प से ग्रिलर को ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के लिए आप घी बटर कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब सैंडविच को इसके ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा देते हैं। आप चाहें तो आप इन्हें बिना घी बटर के भी बना सकते हैं। और अब ग्रिलर को बंद करके इनको ग्रिल करेंगे, चेक करेंगे। सैंडविच हमारे ग्रिल हो गए हैं, इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इनको कट करेंगे, आप इनको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं इनको ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। अब देख सकते हैं बहुत ही क्रंची सैंडविच बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए बहुत ही टेम्प्टिंग लग रहे हैं। टेस्टी सैंडविच बनके तैयार है, आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।